मटन चिकन कोफ्ते ऐसा जैसे बर्फी जी जी एक लेंगे यूके से आया हूँ और मेरे दिल में ये एक ख्वाहिश थी कि जब भी इंशाल्लाह तो जिला साहब के चने वगैरह लाजमी खाऊंगा। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। कहाँ बैठ सकते वो तो बैठ जाएंगे कोई बात खाली है वो माशाल्लाह ठीक हो गया बहुत गर्म लग रहा है यार इसमें कतरा पानी का नहीं होगा भाई ये चेक करो ठीक हो गया नहीं लग ही रहा है जैसे जिद्दी की लस्सी नहीं होती मैं सुबह पी के आया ऐसे ही वैसे ही रहता है बिल्कुल माशाल्लाह तो बिल्कुल फ्री है ये दो डमी है बिल्कुल फ्री है अच्छा इसके पैसे भी हो जाएंगे ठीक है ऐसा जैसे बर्फी जी जी गाड़ी भी आ गई है जिला भाई रायता में क्या क्या डाला हुआ है भाई जी इसमें बड़ा कुछ है बंद गोभी है प्याज खीरा ये ले चलो भाई जिला भाई क्या डील है आज ठीक है अच्छा कितने किलो चने तैयार हो रहे हैं ठीक है पीछे गर्मी पड़ी हुई है ठीक है अब गर्मी आ गई इसलिए थोड़ा थोड़ा ठीक है ठीक ये कितने की डील है चने की ये भैया आपको भी कोफ्ता नहीं आया आपको मिलेगी भी आप ये पहचान है भाई हमारे पास आए ठीक है छह घंटे बहुत ज़्यादा खुल रही है हाँ अच्छा जिला भाई एक बात बताएं आप देसी घी में खाना तैयार कर रहे हैं उसके बाद भी डील इतनी सस्ती क्यों है देसी वाम के पैसे वाम को वापस मुझे बना भी है मेरा वो अदिया का भी लाइसेंस बना हुआ है टैक्स बना हुआ है मैंने खुद बनवाया मेरे पास इतनी जिदाद नहीं है वाम के वाम मेरी जिदाद है किसी को भाई ऐसे जीरो डाउट हो मेरे पास आ सकता है वो सामने की पड़ा है ये उसके है उसके अलावा कोई चीज चाहिए हो ये दो नंबर है फूल छोटी भी मौजूद है हर चीज़ हर चीज़ ज़्यादा मौजूद है आप चेक करा सकते हैं नहीं देसी घी तो मुझे प्योर लग रहा है उसकी वजह ये है जब आया हूँ ना उसकी स्मेल से पता लग रहा था कोई भी कंपनी का घी मैं इस्तेमाल करो पैसे नहीं करता उसकी वजह ये जब मैं किसी को एक लेकर जाना है सबको लेकर चलना ठीक है एक बार कल आया तो मैंने कहा यार देसी घी जाली है भाई साफ करता हूँ कंपनी को नहीं नहीं देसी घी की स्मेल से पता चल रहा है तो आवाम का रश भी बता रहा हूँ आप साफ नहीं करते अपना गुस्सा निकाल के चले वो बस ऐसे ही है ना एक घी है मैं मानता हूँ ये क्रीम का घी दूसरा है मलाई का घी ठीक है तो हम सबको पता है अब ये 1500-1600 का मिल रहा है वो भी किलो का नहीं 800 ग्राम का तो चाहिए आपको यही होगा चाहिए आपको बर्दाश्त करना चाहिए ताकि पता भी है कि मलाई का नहीं क्रीम का है तो सारे क्रीम का लगा रहे हैं जीरो का देसी के तो आ ही रहा डाटा भी अच्छा है खाने तो मजेदार होते हैं यार आपकी ये बात तो है कि दुनिया फैन है खानों की आपके देखो भाई गर्म हो गया अभी ट्राई करो दो ग्राम
टेस्ट कैसे भाई? बहुत टेस्टी, आप कैसे ये भाई खा रहे हैं। चने जो है ना देसी घी में लिबरे हुए हैं, उसकी खास वजह यह है कि जिला भाई दिल से चने बनाते हैं, तो मैंने लोहर के बड़े बड़े चने खाए हैं, उनमें से जो अच्छे चने आते हैं ना वो घी है। अच्छा उसमें आप एक चीज़ ये भी नोट करें कि मसाले भी जो है ना लेवल है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यानी कि नमक नमक मिर्च तेल हो गया हमारे आपका। नहीं नहीं इधर ही मेरे पैक है, आठ बैठे बैठे इधर भाई, दो डील कर देख सकते हैं क्या ही है। जी जी आ जाओ, आठ दिन पैक है पूरे लाहौर में अलहमदुल्ला कोई नहीं बनाएगा, बना सकते पर उसको भाई टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक है। जीला साहब के बारे में मैंने दिल में देखा है, मेरी एक दिल में ख्वाहिश बन गई थी कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान गया इनके चने लाजमी चेक करूंगा। अच्छा आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया इनके चने, तो देखने में कैसा माहौल लग रहा है? इस तरह आ रही है कि मुझे इतनी उम्मीद है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। हमारे जीके में ना इनकी बहुत ही जीके में हम सब देखते रहते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश होगी थी ना इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान गया ना ठीक होगा, लाजमी दुकान पे जाऊंगा। आया था इमरान खान साहब, ठीक है, नाश्ता भी जा कर इनके साथ, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह देसी घी के नज़र आ रहे हैं, और उनको यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। दिला भाई खुशबू इतनी मजेदार आ रही है, तो देख पता चल रहा है टेस्ट में क्या चीज़ होगी भाई। ये भाई जी यूके से आए थे स्पेशल इनके चने वगैरह खाने, तो अभी टेस्ट करके तो देख रहा हूँ मैं, ये देखने देसी घी भी है, और माशाल्लाह आज मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जिला साहब के चने चेक करूँ। चलें आप टेस्ट करें और हमें बताएं, पॉजिटिव आपने देना है ना, कोई साइड लेनी है ना कुछ, जो भाग की बात हो वो करनी है। जहर लेने का इंतजाम नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान में और भी जगह नाश्ता किया है, लेकिन इतने अच्छे जिला साहब के चने जो है ना मैंने पहले माशाल्लाह सुभान रियली नाइस। अच्छा मसाले वगैरह बताएं, नॉर्मल हैं या स्पाइसी हैं? भाई स्पाइसी में खाई, मतलब कोई एजेड बंदा है तो वो जितने मसाले हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह इनके बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल है, ठीक हो गया, वाह जी वाह, हर चीज कंप्लीट है और बहुत प्यारा फूड है, ठीक है माशाल्लाह कम है। आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आके ट्राई करें चने वगैरह? ये रायता वगैरह आगे स्पेशल यार, ये इनकी है तो सोच है, ये रायता कैसे बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका भी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आप खुद देख लेंगे यूके से आया हूँ, और मेरे दिल में ये एक ख्वाहिश थी कि जब भी इंशाल्लाह लौटेंगे आप तो जिला साहब के चने वगैरह लाजमी खाऊंगा। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है,
अब आपसे भी गुजारिश है, आए एक दफा खा कर देखें, जब आप एक दफा टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वो वेरी ब्यूटीफुल फूड भी है। ठीक थैंक यू लॉट एवरीबॉडी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मेहरबानी।